आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। गुड इवनिंग, ईद मुबारक मेरे दोस्तों। आपका मजू जेकब यहाँ भारत मूवी का रिव्यू के लिए आया हूँ। आज मैं और मेरे दोस्तों ने सुबह एक 8:45 अपनी जो दुबई शिंडेगा की जो थिएटर है वॉक्स की, वहाँ हम सुबह के सुबह, वैसे छुट्टियाँ चल रही हैं अभी यहाँ टिल संडे, तो हम लोग ने प्लान किया, एक दो हफ्ते पहले टिकट लिया था और सुबह के सुबह खड़े हो गए थे वहाँ। तो बहुत एक्सपेक्टेशन से हम लोग गए, बहुत एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अली अब्बास जफर की मूवी थी और तीन चार अच्छे हिट्स दिए थे हम लोग को, टाइगर जिंदा है और सुल्तान, तो वी एक्सपेक्टेड अलॉट। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मूवी के बारे में मैं ट्रूली रिव्यू देना चाहता हूँ, लेकिन फ़ैन इज़ वन पार्ट। तो एक्चुअली गाना भी मुझे बहुत पसंद था, तो फर्स्ट हाफ तक मूवी बहुत ड्रैग हुई, एकदम स्लो गई मूवी फर्स्ट हाफ तक, क्योंकि स्टोरी एक कोर्स एक स्टोरी नहीं थी उसमें, एक मूवी में एक एक्चुअली एक नॉर्मल नॉर्मल स्टोरी थी। नॉर्मल मतलब जैसे पार्टीशन के टाइम पे जो इंडिया पाकिस्तान के जो पार्टीशन के टाइम पे जो दंगा हुई थी, उसमें दो एक फैमिली के फादर और बच्चे मतलब जैकी श्रॉफ सलमान खान के पिताजी हैं उसमें, तो सलमान खान की बहन और जैकी श्रॉफ इन लोग स्प्लिट हो जाते हैं, और सलमान खान की माँ और एक बहन और बाकी के दो भाई ये इंडिया आ जाते हैं, तो उनको वहाँ से जो सेपरेट होते हैं, यही एक स्टोरी, यहाँ से स्टोरी चालू होती है। लेकिन उसके बाद सलमान खान इंडिया आने के बाद स्टोरी एकदम दूसरी एक मोड़ी पकड़ लेती है। मेरे हिसाब से इंटरवल तक बहुत स्लो चली, और स्टोरी लाइन हम अगर बोलेंगे मूवी में स्टोरी लाइन, तो ऐसी कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी है ही नहीं मूवी में, क्योंकि एक नॉर्मल मूवी, जैसे एक लड़का है 8 साल का लड़का, वो पाकिस्तान और इंडिया के जो पार्टीशन के टाइम में जो दंगे हुए थे उसमें सेपरेट होके, वो एक नॉर्मल स्टोरी थी। लेकिन इसमें जो दो तीन सीन्स हैं, दो तीन जैसे कि मिडिल ईस्ट के ऑयल रिफाइनरी में काम करने जाते हैं, और मर्चेंट नेवी में, ये सब मर्चेंट नेवी का सीन तो एकदम अपना कैप्टन फिलिप्स करके एक मूवी है टॉम हैंक्स की, तो उसी की एकदम डिक्टो कॉपी थी वो सीन की, सोमालिया के पायरेट्स लोग जाके अटैक करते हैं। तो मेरे हिसाब से सुल्तान और बजरंगी भाईजान और ये सब मूवी के रोल्स में जब आप देखेंगे, तो ये भारत रेस 3 और भारत को हम सिमिलर कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, इतनी भी लेकिन वन टाइम वॉच है। सलमान खान की एक्टिंग ऑसम एज ऑलवेज, क्योंकि उसमें एक सीन होता है कि जो खोई हुई सिस्टर है उसको उनको ढूंढते हैं, और एक मिलाप जैसे क्या बोलते हैं पाकिस्तान के जो और इंडिया के जो बिछड़े हुए फैमिली मेंबर्स को जो मिलाने का जो उसमें एक 15-20 मिनट का जो सीन है, वो सीन एकदम बहुत सुंदर तरीके से लिया गया है। वही एक चीज़ है जो उस फिल्म में हमें बहुत इमोशनली हमें बहुत अटैच करती है। उसके अलावा फिल्म देखो तो एकदम बहुत एग्जैजरेशन और एक एंटरटेनर भी नहीं बोल सकते हैं। कोई सीन अनवांटेड सीन्स बहुत थे उसमें, जैसे मर्चेंट नेवी के सीन्स, और वो सब सीन्स की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे हिसाब से। लेकिन आप जाके देखिए, आप अगर सलमान खान के फ़ैन हैं
तो ज़रूर जाके देखिए, लेकिन एक एंटरटेनर मैं इसे नहीं कह सकता हूँ। मेरे हिसाब से इस मूवी को एक 10 में एक 6, 5.56 उसी रेटिंग में बताया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, म्यूज़िक के बारे में, दो गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर गाने हैं इसमें। डूब जाओ तेरी आँखों के ओशन में बहुत सुंदर गाने हैं, और दूसरे और एक गाने हैं। एक दो गाने के अलावा बाकी इस मूवी में स्पेशलिटी इतना मुझे लगा नहीं। तो कोई और जो मिडल ईस्ट के सीन्स है, जो मुझे लगता है अब यूएई में, शायद अबू धाबी में शूट हुए हों। तो ओवरऑल मूवीज़ एवरेज। फ्यूचर में आप और रिव्यूज़ और मूवी रिव्यूज़ आप अगर मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मूवीज़ और रिव्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू, ईद मुबारक अगेन, हैव अ नाइस डे।